got a body like a goddess. And she talks so sweet. It's like I can't believe I'm the one that she wanted. नमस्ते गाइस, मैं आपका दोस्त तरुण बड़ाना आपके लिए लेके आया दूसरा व्लॉग स्विफ्ट गाड़ी का ही। पीछे अतुल भाई दिख रहे हैं आपको। अतुल भाई हमेशा साथ रहते हैं, एक सचिन भाई और साथ में नीतीश भाई। ये नीतीश भाई है भाई, कैसे करोगे? सामने हमारी गाड़ी खड़ी है क्रेटा, ये देख लो भाई, फारा में साथ में आप देख लो। और यहाँ भाई सामने आ गई गाड़ी स्विफ्ट, देखो वाइट कलर में ये वाली गाड़ी। फ्रंट लुक देखो, टॉप मॉडल वाली LED हेडलाइट, नीचे LED फॉग लैंप कंपनी वाले ही, ग्रिल में कोई चेंज नहीं, साथ में सियाज वाले अलॉय। इसमें 205/55/R16 टायर की प्रोफाइल, योकोहामा का टायर है। अलॉय की कीमत 35,000 और टायर की कीमत है भाई 9,500 ऑन रोड। गाड़ी की साइड लुक देखो एक बार, वाइट कलर में ये अलॉय कैसा लग रहा है एक बार कमेंट करके बताना। ब्लू में आपने देखा ये पिछली वीडियो में। ये योकोहामा वाला जो टायर है ये हल्का सा बॉडी लाइन से बाहर आता है, जो लुक थोड़ी अच्छी देता है, जैसे आफ्टर मार्केट से डलवाया वाला है उस टाइप की थोड़ी लुक दे रहा है। परेले वाला जो टायर है हमारे जो नीली स्विफ्ट में है, वो वाला थोड़ा बॉडी लाइन के साथ ही रहता है अंदर। पीछे मर्सिडीज वाली है टेल लाइट, इसकी कॉस्टिंग मैंने आपको पहले भी बताई थी, 10,500 आती है, आफ्टर मार्केट है। नीचे डिफ्यूज़र भी आफ्टर मार्केट वाला ही है, ब्लैक कलर में आता है, बॉडी पेंट के साथ मैच करवाया, पेंट कराया गया ये। ऊपर स्पॉयलर कंपनी से लिया गया, मारुति सुजुकी से ही, 3,500 इसकी हुआ कॉस्टिंग कंपनी से विद बिल। यहाँ से भी साइड लुक देखो एक बार पूरी गाड़ी की। गाड़ी पे 100% फिल्म चढ़ी हुई है पिछले 3 क्लास पे, फ्रंट के 2 पे 50%। गाड़ी बहुत अच्छी लग रही है टिंट की वजह से, एक बार पूरी गाड़ी देख लो। सचिन भाई एक बार गाड़ी की हेडलाइट और जला के दिखाओ। ये गाड़ी की लॉबी में फॉग लैंप इसमें नहीं जलते, वायरिंग ऐसी कराई हुई है कि हाई बीम के साथ ही जलेंगे। एक बार हाई बीम जला के दिखाओ भाई, टिप्पर मार के दिखाओ। ये देखो फॉग लैंप जो है मेन लाइट के साथ है, डायरेक्ट पार्किंग वाले में ऑन नहीं होंगे। नीली वाली स्विफ्ट में थी भाई ताइवान वाली लाइट आफ्टर मार्केट, ये वाली जेन्युइन मारुति सुजुकी की लाइट है, 42,000 आती है कॉस्टिंग इस लाइट की दोनों की। और नीचे जो फॉग लैंप आप देख रहे हो ये 5,500 की कॉस्टिंग आती है इस फॉग लैंप की, LED फॉग लैंप है, इसमें बल्ब वगैरह कुछ चेंज नहीं होता, कंपनी भी ऐसा ही रहता है। तो एक बार गाड़ी को आपका इंटीरियर दिखाते हैं इसका कैसा है। इंटीरियर में बहुत ज़्यादा चेंजेस तो नहीं है। उससे पहले भैया ये 70 वाले मैट देखो आप, पूरी प्रोटेक्शन है नीचे की, गंदगी बिल्कुल नहीं जाती। फिर आ जाता है भाई अपना स्टीयरिंग व्हील, मीटर, एंड्रॉयड स्टीरियो लगा रखा भाई ने, जैसा आपने देखा था पाइनर वाला हमने लगवाया था, लेकिन अपना अपना टेस्ट है। इसकी जो LED क्लियरिटी होती है वो अलग ही होती है, इसलिए एंड्रॉइड लगाया हुआ है। आपको ऑन करके दिखाते हैं, अभी ऑन कर लेते हैं गाड़ी को एक बार। इस टीजो की भी एक खास बात है, इसमें एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले दोनों वायरलेस आते हैं। अभी आपको चला के दिखाते हैं। सचिन भाई एक बार कनेक्ट करना। भोले बाबा बेटे भाई, जय भोलेनाथ। गाड़ी में पूरी में डैम्पिंग हो रखी है, आगे लगे हुए टूटर का जो है फ्री है, पूरा मारुति से डलवाया है, बिल्कुल कंपनी फिट टॉप मॉडल वाला। नीचे कंपोनेंट हर्ट्स के, हर्ट्स का पूरा सेटअप है गाड़ी में, कंपनी से डलवाया हुआ पूरा सेटअप। करीब ये 9-10,000 के पड़े थे पूरा सेटअप इस गाड़ी में। स्पीकर का स्टॉक कनेक्ट है, कोई एम्प नहीं है गाड़ी में, लेकिन साउंड बहुत अच्छी आती है, ऐसी कोई नीड भी नहीं है। भाई को बूफर का शौक नहीं है, एक बार आपको आवाज़ सुना देते हैं इसकी। ये देखो भाई एप्पल कारप्ले ऑन हो चुका गाड़ी में। इस गाड़ी में जितना भी काम करवाया भाई सारा कंपनी से करवाया है, चाहे वायरिंग का हो, स्टीरियो फिटिंग का हो, हेडलाइट का हो, जितना भी काम करवाया सारा कंपनी है। भाई का मानना ये है कि अगर बाहर से काम करवाते हैं ना गाड़ी में दिक्कत रहती है, वारंटी वॉइड होती है, 100 तरह की दिक्कत बताते हैं, इंश्योरेंस में क्लेम नहीं आता, इसलिए भाई ने सारा काम स्टॉक वाला कराया है, तभी इसमें एम पर बूफर नहीं है। एक बार वही गाना प्ले करोगे NCS वाला। I don't know why the first 3 days.
सिस्टम बहुत बढ़िया है, स्टॉक वाले से तो बहुत अच्छा है, कंपनी वाले से डिसेंट सी बेस है, सही है सुनने के लिए, ट्रिप के लिए बहुत अच्छा है, ना परेशान करेगा। गाड़ी आपने अंदर से भी देख ली और बाहर से भी देख ली, गाड़ी ऑल ओवर बिल्कुल सिंपल सी बड़ी अच्छी सी लग रही है, जो जितना काम करा है इनफ है गाड़ी के लिए, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, कोई कमी लग रही है, टॉप मॉडल ही लग रही है गाड़ी, सारा सुजुकी का काम है। तो एक बार ओनर से भी मिल लेते हैं, सचिन भाई से। और सचिन भाई कैसे हो आप? बढ़िया भाई, आप बताओ। बढ़िया भाई। सचिन भाई एक बार मुझे ये बताओ कि आपको ये गाड़ी कितने की पड़ी थी, ये कब की गाड़ी है, परचेज कब का अपना? भाई ये अपने 2022 मॉडल है। अच्छा, 22 टाइम मेरे को ये 8,20,000 रुपए की पड़ी थी ऑन रोड प्राइस से इसका। 8,20 की? हाँ जी भाई। भाई गाड़ी तो आपको सही पड़ गई, वैसे तो यही प्राइस चल रहा था। हाँ जी भाई। भाई ये कुछ दिक्कत करती है इन चौड़े टायर में, थोड़े से जैसे टायर चौड़े हैं? इसमें कोई दिक्कत नहीं आती, बहुत अच्छा कम्फर्ट है गाड़ी में, ऑफ रोड ऑन रोड सब किसी में कोई दिक्कत नहीं आती भाई, कैसी भी आप ऑफ रोडिंग कर लो, नॉर्मल चला लो, हर रोड्स पे अच्छी है। हाँ ऑफ रोडिंग तो देखो टाइटल वाला रखे जो कि रोड्स पे बहुत जम के चलती गाड़ी। ऑफ रोडिंग तो खैर गाड़ी से नॉर्मली की जाती है, छोटी गाड़ी है, इतना है कि हाँ कहीं पे जहाँ रोड साफ नहीं है, गड्ढे वड्ढे है, तो वहाँ दिक्कत नहीं करनी चाहिए, बस ऑफ रोडिंग के लिए दूसरी गाड़ियाँ हैं, कोई दिक्कत नहीं ऐसी। गाड़ी भाई ने टिंट कराई रखी है, भाई टिंट से कोई दिक्कत तो नहीं आती आपको? नहीं भाई कोई दिक्कत नहीं आती मेरे को। ये तो भाई देखो पर्सन टू पर्सन रहता है, कोई चला पाता है कोई नहीं चला पाता जी भाई। पुलिस की एडिक रहती है इसमें। गाड़ी बहुत अच्छी लग रही है, वाइट कलर में गाड़ी। आपने मेरी नीली वाली स्विफ्ट भी देखी, एक बार कमेंट करके ये जरूर बताना कि वाइट में आपको येलो ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं या नीली वाली में, ये मैं जानना चाहूँगा, बहुत अच्छी लग रही है। ठीक है सचिन भाई, गाड़ी आपकी बहुत अच्छी लगी जी भाई, मिलते हैं आपसे दोबारा। She got a body like a goddess, and she talks so sweet. It's like I can't believe I'm the one that she wanted. And if I'm really being honest.